इसलिए होता है शुभ। रत्नों का बहुत महत्व होता है। हम मानव भी इस महत्व को मानते हैं और उनके महत्व के अनुसार उसे धारण भी करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हम करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। अक्सर लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए रत्नों को धारण करते हैं। रत्नों का प्रभाव लोगों के करियर, शिक्षा और पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ उनके स्वभाव पर भी पड़ता है। ऐसा ही एक रत्न है पुखराज। हर रत्न का अपना एक अलग महत्व होता है और उनको धारण करने वाले पर भी निर्भर करता है कि वो रत्न उसको चलेगा कि नहीं। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिष से ये जान लेना आवश्यक है कि वह रत्न उसके लिए अच्छा साबित होगा या नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं पुखराज रत्न की। पुखराज देवताओं के गुरु बृहस्पति का रत्न माना जाता है। क्या है पुखराज? पुखराज चिमका, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी एवं व्यवस्थित किनारे वाला रत्न होता है। इसमें एल्युमिनियम और फ्लोरीन सहित सिलिकेट खनिज होता है। यह पीले रंग का एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी कार्य क्षमता कई गुना प्रचलित है। ज्योतिष की माने तो पुखराज धारण करने से विशेषकर आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। यह रत्न बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न है। बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और खुशी का प्रतीक होते हैं, यह सामान्यतः सिलिकेट वर्ग खनिज में आता है। इसकी चमक कांच जैसी होती है। इस रत्न को संस्कृत में पुष्पराग तथा हिंदी में पुखराज कहते हैं। यह गुरु ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। यह रत्न धनु राशि एवं मीन राशि वालों को प्रतिनिधित्व करता है। इसके पहनने से ज्ञान में वृद्धि होती है। धनु और मीन राशि के लिए पुखराज धारण करना होता है क्योंकि यह रत्न गुरु बृहस्पति का रत्न होता है, इसलिए यह मीन और धनु राशि के लिए शुभ होता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। अगर वैसा नहीं करता है तो वह गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जानकारी लेकर